तुम्हें कमजोर बेबस और घटिया इंसान हो, बस अब हाथ मत लगाना मुझे। बात सुनो तुम, सुबी को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता उसको, मैं समझी तुम? लेकिन वो तुम्हें छोड़ चुकी है, तुम उसे वापस लाओगी, तुम उसके दिल में मेरे लिए नफरत निकाल के मोहब्बत भरोगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्यों, क्यों नहीं करोगी? क्योंकि ना ही तुम उसके पहले लायक थे और ना ही आज। बकवास कर रही हो तुम। जब तुमसे निकाह का हुक्म सुनाया था ना, इसी तरह तड़पी थी मैं, इसी तरह जली थी मैं, अब तुम जलोगे। लेकिन अपनी बहन के करीब नहीं आने दूंगी तुम्हें मैं। अगर हो सकेगा तो उसके दिल में तुम्हारे लिए और नफरत भरूंगी मैं, समझे तुम? अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए सोफी। हाँ गई जूबी, जूबी कहाँ चली गई थी तुम बेटा? बोल क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ? जूबी अब्बू कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो बेटा। हैं? खैरियत तो है ना? जूबी तुम बोल क्यों नहीं रही हो, तुम बता क्यों नहीं रही हो, कहां गई थी तुम? बच्चों के पास। क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? जरूरत थी अब्बू, जिसकी वजह से मैं मौत से लड़कर आज जिंदगी जी रही, उसे ये बताना और दिखाना जरूरी था कि मैं जिंदा हूं। क्या कहा उसने? क्या कहा होगा, उसके पास है ही क्या कहने को? आज के बाद मेरा बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, मर गए ये बच्चों मेरे लिए। आप लोगों का बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, कोई बच्चों का नाम नहीं लेगा इस घर में। वादा करें मुझसे, नहीं रखेंगे ना? लेकिन मैं तो पहले कह चुका हूं, मर गई है वो हमारे लिए। तो आप मिसेज अहमद के बेटे हैं जी, लेकिन आपकी वालदा तो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों को कुछ भी पता चले उनकी बीमारी के बारे में, तो फिर उन्होंने आपको कैसे बता दिया? उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैम आपसे कॉल पे बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। उनकी रिपोर्ट देखी, फाइल देखी तो पता चला, उसी को देख के मैं आप तक पहुंचा हूं। आई सी, जब आपने रिपोर्ट्स देख ली है तो आपको डिटेल्स भी समझ में आ गई होंगी। डॉक्टर मैंने रिपोर्ट्स देखी, कुछ क्लियर नहीं हो सका, आप बताइए। योर मदर इज वेरी ब्रेव, वरना इतनी बड़ी बीमारी से अकेले लड़ना कोई आसान काम नहीं है। बस क्योंकि उनकी हमेशा से यही एक बात रही है कि मेरे बच्चों को कभी इस बीमारी के बारे में पता ना चले, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी उनसे इस बात का जिक्र ना कीजिएगा।
मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता था डॉक्टर, आप प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। I'll take care of that, don't worry. मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है मॉम? 3 महीने पहले she was diagnosed with breast cancer. मैंने जैसे ही उनकी रिपोर्ट्स देखी थी, I suggested कि she should go for chemo. लेकिन I don't know for what reason वो सिचुएशन को अवॉइड करती चली गई। हर बार कोई ना कोई नया एक्सक्यूज। तुम्हें जिस तरह मुझे कॉल करके बुलाया, मैं तो बिल्कुल पैनिक कर गई थी। क्या हुआ है सादिया? सुबी आई थी। तो ये तो अच्छी बात है कि वो ठीक हो गई है, अब तुम्हें इत्मीनान हो जाना चाहिए। उसको देख के दिल को सुकून तो पहुंच गया, लेकिन लेकिन जब वो यहाँ आई थी उबेर भी यही मौजूद था। तो मैं बहुत बेबस हो गई, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। बेगुनाह थी मैं, जो कुछ हुआ दोनों की वजह से हुआ। ये भी मुझे कसूर बांटे रहे। जब इंसान का दिल और रूह मुतमईन हो तो किसी के इल्जाम देने से वो गुनहगार नहीं हो जाता। तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा। सुबी कह के गई है कि वो उससे नफरत करती है, लेकिन मैंने कहा कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, उसको अपना बना के रहेगा। What rubbish! उसने तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। सब कुछ मेरे हाथों से निकल गया, नहीं बर्दाश्त हो रहा, नहीं हो रहा बर्दाश्त। लेकिन जुबी ऐसे क्यों चुप खड़ी? जुई थक जाओगी, आ जाओ बिस्तर पे। कुछ पूछना चाह रही है क्या? पूछना तो चाह रही। लेकिन मुझे डर है कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं ठीक हूं अम्मी, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। आप बताइए। बेटा जब तुम अस्पताल में थी तो उमेर आया था। क्यों? मैं अपनी सादिया की तरफ से बहुत परेशान हूं। मेरी सादिया ऐसी नहीं है। Thank you.
यकीन तो मुझे भी नहीं आता अम्मी के बच्चों, मेरी गलती है, मुझे आप लोगों को पहले बता देना चाहिए था। अम्मी आप बहुत भोली हैं, आप नहीं समझेंगी ये सब कुछ। बच्चों अमर भाई के निकाह में होते हुए भी मैं के साथ दोस्ती नहीं है सादी, ऐसी मैं उसे बचपन से जानती हूँ, मैंने उसे पाला है, पोसा है, जन्म दिया है। आज तक मेरी बच्ची ने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसके कॉल और फेल में मैंने कभी तजाद नहीं देखा, जो वो कहती है वो करती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने कहा कुछ और किया कुछ। और अहमर, अहमर से तो उसने पसंद से निकाह किया है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर ये उमेर, जूबी, ये देखो बेटा तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स लाया हूँ। थैंक यू अब्बू। पसंद है ना तुम्हें? जो कुछ तुम आज तक करते रहे हो, मैं मुझे फिर भी ये उम्मीद थी कि तुम समझ जाओगे, संभल जाओगे, लेकिन आज सादिया पर हाथ उठाकर तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। कैसी बातें कर रही है मॉम? आप माँ है मेरी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इज्जत सिर्फ माँ और बहन की नहीं होती, हर औरत काबिल इज्जत है। और ये तो तुम्हारी बीवी है, तुम चाहे इससे मोहब्बत करो या ना करो, लेकिन इज्जत इसकी तुम्हें करनी होगी। माफी मांगो उमेर, मैं कुछ कह रही हूँ। हाँ मेरी बात सुनो यार। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा कि तुम दिल से मेरी इज्जत करते हो, माँ की छोटी सी बात भी हुक्म का दर्जा रखती और इनकार बेइज्जती। माफी मांगो। सॉरी। मम्मी आप इंसान नहीं फरिश्ता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उमेर की अम्मी नहीं बल्कि मेरी माँ हैं। आपकी जगह अगर कोई और माँ होती तो यकीनन अपने बेटे का साथ देती। शायद देखिए जा, देखी तेरी देखिए।